सी होंगी टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्में, कौन कौन से सुपरस्टार और नए चेहरे आएंगे इन फिल्मों में नजर, क्या रहेगा इन फिल्मों का बजट और क्या होगी इनकी रिलीजिंग डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिधि और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ की रिसेंट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में वो दर्शकों को इतना इंप्रेस नहीं कर पाए। टाइगर श्रॉफ का स्टूडेंट अवतार लोगों को इतना नहीं भाया। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि 2020 और आने वाले सालों में टाइगर श्रॉफ ऐसा क्या रोल करेंगे जो लोगों को पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्में कैसी होंगी और क्या रहेगी उनकी रिलीजिंग डेट्स और उनका बजट। तो 2020 में 2 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की रिलीज होने वाली पहली फिल्म रहेगी रैम्बो। जी हाँ दर्शकों, रैम्बो है टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म। अब इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक एक्शन हीरो का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म रैम्बो, जो कि एक हॉलीवुड मूवी थी जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, इस मूवी का एक रीमेक यानी कि एक अडेप्टेशन है। तो अब टाइगर श्रॉफ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि क्या वो एक एक्शन हीरो का किरदार सही से निभा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि टाइगर श्रॉफ पहले से ही एक एक्शन हीरो के लिए काफी मशहूर हैं। उनके स्टंट्स, उनका डांस और उनके एक्शन सीन्स ने ही इंडस्ट्री में उनका एक नाम बनाया है। तो क्या रैम्बो जैसी मूवी, जिसके पोस्टर ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, इस किरदार को और इस इमेज को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। इस फिल्म के पोस्टर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जिसमें टाइगर श्रॉफ का लुक काफी बोल्ड और काफी वाइल्ड है, और कहा जा रहा है कि ये लुक टाइगर श्रॉफ की पर्सनालिटी और उनकी एक्टिंग के साथ काफी ज्यादा सूट करेगा। अब ये तो सोचने वाली बात है दर्शकों कि क्या टाइगर श्रॉफ अपने इस एक्शन हीरो वाले अवतार को सही से निभा पाएंगे या नहीं। ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इस फिल्म का, जो कि डायरेक्ट की जा रही है सिद्धार्थ आनंद द्वारा और रिलीज होगी 2020 में 2 अक्टूबर। टाइगर श्रॉफ की दूसरी मूवी जो रिलीज होगी 2020 में, जो इस समय चर्चा का विषय बन रखी है, वो है फाइटर्स मूवी। जी हाँ दर्शकों, इस मूवी का नाम अभी कुछ ही दिनों पहले फाइनलाइज हुआ है। लेकिन इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगे ऋतिक रोशन। जी हाँ, बॉलीवुड के ग्रीक गॉड और एक्शन सुपर हीरो और सुपरस्टार ऋतिक रोशन इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगे। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ पहले से ही ये बोल चुके हैं कि ऋतिक रोशन उनके आइडल हैं। अब टाइगर श्रॉफ और उनके आइडल ऋतिक रोशन की ये जुगलबंदी कैसी बैठती है, ये देखने के लिए तो हम भी उत्सुक हैं। दोस्तों, जैसा कि ये नाम खुद से बताता है, फाइटर्स मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें डांस और एक्शन का एक मिश्रण होगा। ये मूवी डायरेक्ट हो रही है यशराज बैनर के अंडर, और इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट नजर आएंगी वाणी, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था शुद्ध देसी रोमांस से और उसके बाद बेफिक्रे में नजर आई थी। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्योंकि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों हैं, तो इस मूवी में डांस और एक्शन का एक बहुत बढ़िया दमहाल होगा, और ये देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस मूवी का बजट कितना है। तो सूत्रों के अनुसार इस मूवी का बजट लगभग 50 करोड़ है। इस मूवी का ट्रेलर तो अभी तक आउट नहीं हुआ, ना ही इसकी रिलीजिंग डेट पता लगी है, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने अभी से ही अपनी वीडियोस में ऋतिक रोशन के गानों पे नाचना शुरू कर दिया है, और ऋतिक रोशन ने भी इसकी डिक्लेरेशन कर दी है कि वो फाइनली टाइगर श्रॉफ के साथ एक मूवी बना रहे हैं। अब हम तो ये मूवी देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, आप हैं या नहीं ये आप। अब टाइगर श्रॉफ की तीसरी मूवी जो काफी ट्रेंडिंग है वो है बागी 3। जी हाँ दोस्तों, बागी सीरीज के सक्सेस के बाद बागी 3 का भी काफी इंतजार किया जा रहा है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस और अहमद खान द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी इस बार दिशा पाटनी की जगह श्रद्धा कपूर को कास्ट कर रही है ना, ये अजीब सी बात। अब बागी में जहां श्रद्धा कपूर टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आई थी और उनके एक्शन सीन्स और डांस को काफी सराहा गया था, लेकिन कुछ रीजंस के लिए बागी 2 में दिशा पाटनी को रख लिया गया श्रद्धा कपूर की रिप्लेसमेंट में। लेकिन इस मूवी में दोबारा दिशा पाटनी को हटाकर श्रद्धा कपूर को लाया जा रहा है। अब रीजंस क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की सुपर हिट जोड़ी जब टीवी स्क्रीन पर आएगी तो कुछ धमाल तो जरूर करेगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस मूवी का भी बजट क्या है। इस मूवी का बजट भी टाइगर श्रॉफ की बाकी मूवीज की तरह लगभग 50 करोड़ है। रिलीजिंग डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा कपूर का फाइनल होना एक बहुत बड़ी खबर है, जो कि फाइनल हो चुका है। अब टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर का इस मूवी में फाइनल होना इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत माना जा सकता है कि दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद नहीं आई, और साथ ही साथ दिशा पाटनी की एक्टिंग भी लोगों को इतनी पसंद नहीं आई।
ऑन द अदर हैंड श्रद्धा कपूर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से उन्हें इस मूवी में दोबारा लाया जा रहा है। ये तो कहने की बात ही नहीं है कि पिछली मूवी में भी उन दोनों के एक्शन सीन्स लोगों को बहुत पसंद आए थे। इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ ने अब तक जितने भी रोल किए हैं उनमें से दर्शकों ने सिर्फ वही रोल पसंद किए हैं जिसमें वो एक एक्शन अवतार में नजर आए हैं या फिर डांस करते हुए नजर आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को टाइगर श्रॉफ को एक प्यारे से स्टूडेंट के रूप में देखना तो पसंद नहीं है, ना ही उनको टाइगर श्रॉफ को एक रोमांटिक रोल में देखना पसंद है। टाइगर श्रॉफ को वो एक एक्शन हीरो इंडियन रैम्बो के अवतार में देखना पसंद करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2020 में उनका ये इंडियन रैम्बो और फाइटर अवतार लोगों को पसंद आता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलें। और देखते रहिए बॉलीग्राड की नई वीडियोज़।